हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मायाता। दिस इज पायल कश्यप। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय में बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल में ही मेरी बेबी हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपके सामने एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। बच्चे का हेड शेप कैसे करेक्ट किया जाता है। पहला बच्चा मेरा हुआ था तो उस समय मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, पर दूसरे बच्चे में मुझे काफी हद तक नॉलेज हो चुकी है, तो मैंने सोचा आपके साथ ही अपनी ये नॉलेज शेयर करूं। तो आज की इस वीडियो में हेड शेप करेक्शन के मैं चार तरीके बताने वाली हूँ, जैसा कि अभी आप वीडियो में खुद देखेंगे। और मैंने एक और वीडियो बना रखी है कि बच्चे का तालू सिर का खाली रहता है तो उसको कैसे फिल करें और कौन सा ऑयल यूज करें, कौन सा ऑयल बेस्ट होगा, तो उस वीडियो को भी आप मेरे लिंक में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो अभी हाल में ही रिसेंटली पेरेंट्स बने हैं, तो उन पेरेंट्स को एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परेशान करती है कि उनका न्यू बॉर्न बेबी हुआ है और उनका हेड शेप बिगड़ गया है। तो ऐसा वो क्या करें कि उनके बच्चे का हेड शेप सही हो जाए, तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल, फुल जानकारी देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें कई ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो आपके बेबी के हेड करेक्शन के लिए बहुत ज्यादा आपके लिए मददगार होने वाली है। देखिए, ये मेरा बच्चा है, इसका साइड में देखिए, इसका हेड ये देखिए चिपक गया है। ये एक साइड में रात में जैसे इसको दूध पिलाती हूँ या एक साइड ही ज्यादा करके रहता है, तो मेरा बेबी है ये, इसका एक साइड का ये देखिए हेड बहुत ज्यादा चिपका सा, चपटा सा लग रहा है। तो इसको मैं 15 से 20 दिन में आपको सही करके दिखाऊंगी इस वीडियो में। देखिए, ये देखिए पीछे भी हल्का सा चिपटा है और ये साइड में, क्योंकि मेरा बच्चा थोड़ा राइट लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा करके सिर सोता है, तो इस कारण इसका चिपक गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बताने वाली हूँ कि इसको कैसे मैं सही करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले कि अपने बच्चे को, जब बच्चा शुरुआती दौर का होता है, न्यूली बॉर्न होता है, तो बहुत ही ज्यादा उसका सर सॉफ्ट होता है, तो आप जिस भी शेप में बच्चे का शेप देना चाहेंगी, बच्चे का उसी अकॉर्डिंग ही सर ढल जाता है। क्या होता है कि जब बच्चा ये रीजन क्या होता है कि सर बिगड़ने का, आप जब डिलीवरी हो रही होती तो उस समय अगर नॉर्मल डिलीवरी करा रही होती हैं, तो उस समय पुशअप करने पे ये बच्चों का सिर थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये आपको क्या करना है कि आपका जब न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो उसका सिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऑयल लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, और मस्टर्ड ऑयल को सर में लगा करके, आप जरूरी नहीं कि जिस समय आप मसाज कर रही हो बच्चे का उसी समय आप बच्चे का हेड शेप दे सकती हैं। आप नॉर्मली अगर बैठी हैं तो भी आप बच्चे को कम से कम दिन में 2 से 3 बार ऑयल लेकर के अपने बच्चे के सर में लगाइए और उसको प्रॉपर शेप दीजिए। क्या होता है कि जब बच्चे का सर बिगड़ जाता है तो जिस साइड बिगड़ा होता है उस साइड हमें थोड़ा सा हल्का हल्का दबा करके एक प्रॉपर शेप देना होता है। जैसे आप कोई चीज़ सांचा बनाते हैं या कोई चीज़ लड्डू बनाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, प्रॉपर गोल करते हैं ताकि गोल गोल लड्डू बने, उसी तरीके से हमें बच्चे का सर भी करना होता है। चूँकि बच्चे का सर बड़ा होता है तो हमें दोनों हाथ की मदद लेनी होती है, तो हमें भी इसी तरीके से करना है। जैसे मेरे बच्चे का ये शेप बिगड़ गया है तो मैं इसको 10 से 15 दिन तक जब हेड मसाज करूंगी तो प्रॉपर ऐसा ही शेप उसको दूंगी, ये देखिए, ताकि ये चीज़ उसका बैठ जाए और ये चीज़ें बराबर जगह पे आने लगें। आपको पूरा शेप देना है, जैसे आप लड्डू को गोल करते हैं, किसी चीज़ को गोल करते हैं, वैसे ही आपके बच्चे का भी सिर आपको गोल करना है। बट आपको ये डेली करना है, हो सकता है 15-20 दिन में ना हो, महीने भर में हो, मगर होगा ज़रूर अगर आप डेली उसको सेम प्रोसेस में करती रहेंगी तो। प्रॉपर ऑयल लेके आपको करना है, ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं जो आपके बच्चे को सूट करता हो। कम से कम 10 मिनट तक आप जनरली ऐसे बैठी हैं, बिस्तर पे बैठी हैं, सोफे बैठी, कहीं बैठी हैं, तो आप इस तरीके से जिस साइड भी उनको सही करना है उनके सिर को प्रॉपर दबाएं और शेप देने की कोशिश करें। ध्यान रखिए कि ये जगह बहुत सॉफ्ट होता है, ये खाली होता है, तो यहाँ आप ज़्यादा फोर्स ना लगाएं, ज़्यादा प्रेशर ना दें कि बच्चे को प्रॉब्लम हो किसी तरीके का।
क्या होता है कि जब बच्चे की मसाज हो रही होती, बॉडी मसाज होती है, तो उस समय है क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं, तो हो सकता है कि आप उस समय प्रॉपर शेप देने में सफल ना हो, तो इसलिए मैंने बताया कि आप किसी भी टाइम जिस समय आप घर में फ्री बैठी हो तो बच्चे को इस तरीके का शेप दे सकती हैं, ऐसे ऐसे। दोस्तों अभी मैंने फर्स्ट टिप्स आपको बताई हेड मसाज के लिए, अब दूसरा टिप्स ये है कि आप इस तरीके की मस्टर्ड पिलो मार्केट से खरीद लीजिए, आपको आराम से 150-200 रुपए में मिल जाएगी। मस्टर्ड पिलो से ये होता है कि जब आप बच्चे के सर के नीचे लगाती हैं, जैसा कि मैंने ये बच्चे के नीचे लगाया, देखिए मेरा बच्चा लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा लेटता है, तो इसका सिर इस साइड से पिचक गया है और इस साइड से उठा हुआ है, तो हमने इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए इस मस्टर्ड पिलो को ये देखिए ऐसे लगा दिया। तो ये क्या होता है कि मस्टर्ड पिलो जिधर भी बच्चा सर करता है उधर ये मस्टर्ड अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है, तो बच्चे का सर ऐसे ऐसे करके आप दोनों साइड में इसको थोड़ा थोड़ा सा उठा देंगे, तो ये बच्चा जो है आपका बच्चे का सर जो है। अब ये दूसरी टाइप की पिलो आती है, ये मार्केट में आपको बहुत सारी डेकोरेटेड टाइप की मिल जाएंगी, बट ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितनी ये मस्टर्ड पिलो होती है। इसमें फोम भरे होते हैं, महंगे भी मिलते हैं और ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होते हैं, तो आप इसको भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं जैसा कि आपको पसंद हो। तीसरा तरीका ये है कि आप इस तरीके की रुमाल ले लीजिए या कोई पट्टी टाइप का ले लीजिए, इस तरीके से करके बच्चे के सर पे इस तरीके से बांध दीजिए। जैसे कुछ बच्चों का सर क्या होता है कि आगे से बहुत ज़्यादा उठ जाता है, तो आप इस तरीके से उनको बांधिए, कम से कम 10 से 15 दिन तक इस तरीके से, थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 10 मिनट तक के लिए आप बांध करके इस तरीके से रखिए, ताकि उनका अगर आगे का माथा बहुत ज़्यादा निकल आया है तो वो बराबर हो जाए, शेप सही आ जाए। ये भी आप तरीका अपना सकते हैं, अगर आप बच्चे का जैसा देखिए कि सर जिस साइड ही आपका शेप बिगड़ रहा है बच्चे का, उस अकॉर्डिंग आपको ये तरीका अपनाना है। चौथा तरीका ये है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम का मतलब ये है कि बच्चे को पेट पर लिटा करके उसे कम से कम 10 से 15 मिनट लिटाए रखिए, इससे उसका हेड शेप भी अच्छा रहेगा और उसके पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी थोड़ी सही होगी। गैस वगैरह अगर बच्चे की ज़्यादा बनती है तो टमी टाइम दीजिए, तो उससे बच्चे को इस चीज़ में रिलीफ भी मिलता है और हेड शेप में भी थोड़ा सुधार होता है। क्या होता है कि बच्चे को अगर लगातार आप बिस्तर पर लिटाए रहते हैं तो उस भाग पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण उसका सर फ्लैट हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अगर दिन भर में लगभग 5-6 बार 10 बार तक इस तरीके का टमी टाइम देंगी तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये मैंने 4 तरीके बताए आपको बेबी के हेड शेप करेक्शन के लिए, ये चारों ही तरीके आपको लगभग 6 महीने तक अपने बच्चे के लिए अपनाना है। कुछ बच्चों का जल्दी सही हो जाता है, कुछ बच्चों का टाइम लगता है, सबकी स्किन और जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है अलग होता है, तो हो सकता है कुछ बच्चों में टाइम लगे और कुछ बच्चों का जल्दी सही हो जाए, बट आपको 6 महीने तक के टाइम के अंदर ही बच्चे का हेड शेप करेक्शन करना होगा। अदरवाइज अगर वो सिर हार्ड हो जाता है तो फिर हेड शेप करेक्शन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ 6 महीने का के टाइम के अंदर ही आपको बच्चे का हेड शेप सही करना है। ये तो थे मेरे 4 टिप्स जो मैंने आपको बताए, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आप ये तरीका अपनाएंगे भी।